नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक किडनी फेलियर का पेशेंट स्वेटिंग करके अपने किटनी लेवल को यूरिया लेवल को डाउन कर सकता है हम सब जानते हैं कि किटनिन और यूरिया हमारे यूरिन से बाहर जाता है हमारी किडनी के रस्ते बट बहुत कम लोगों को पता होता है कि हम किटनिन और यूरिया को स्वेटिंग के रस्ते पसीने के रस्ते भी निकाल सकते हैं मगर किडनी फेलियर पेशेंट को स्वेटिंग करने के लिए हम एक्सरसाइज नहीं करवा सकते क्योंकि क्रिएटनिंग हमारी मसल्स में बनता है अगर हम किसी पेशेंट को बोलते हैं कि आपने रनिंग करनी है साइकिलिंग करनी है जिससे आपका पसीना निकले तो क्या होगा उसकी बॉडी में क्रियटनिन कम नहीं होगा बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि मसल्स में बनता है मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा मसल्स का और क्रेटरिन की फॉर्मेशन बॉडी में बढ़ जाएगी बट हम जानते हैं कि हमें स्वेटिंग तो ज़रूरी है तो उसी का एक तरीका होता है सोना बात सोना बात यानी भाप में अपनी पूरी बॉडी को रखना जब हम सोना बात लेते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर होता है और मॉइस्चर होता है इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी से स्वेटिंग ज़्यादा मात्रा में होती है अब जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो स्वेटिंग के स्... में ना सिर्फ पानी निकलता है नमक भी निकलता है यूरिया भी निकलता है और क्रेटनिन भी निकलता है आपको नहीं पता होगा कि अगर हम टेस्ट करते हैं अपने पसीने को और अपने यूरिन को तो हमारे यूरिन कंपेरिटिव में हमारे पसीने में यूरिया ज़्यादा निकलता है और वो भी 50 टाइम्स ज़्यादा यानी अगर किडनी फेलियर के पेशेंट की बॉडी में किटनिन और यूरिया इकट्ठा हो रहा है पसीने की हेल्प से स्वेटिंग की हेल्प से हम किटनिन लेवल को डाउन कर सकते हैं अब इसके फायदे क्या होंगे उसको भी हम जान लेते हैं जब हम स्वेटिंग से पसीने निकाल रहे हैं निकाल रहे हैं यूरिया निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस है वो हमारे ब्लड के लेवल में कम हो रहा है अब जब आपकी बॉडी में कम वेस्ट मटेरियल होगा तो उतनी कम कॉम्प्लिकेशन आपको झेलनी पड़ेगी अगर आप डायलिसिस करवाने जाते हैं आपको हफ्ते में दो बार तीन बार डायलिसिस करवाना पड़ता है और आप डेली सोना बात लेना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा पसीने से भी आपका कटेनिन और यूरिया भाग जाएगा मगर आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं आएगी क्योंकि अब आपका ब्लड गंदा कम हो रहा है तो नंबर ऑफ डायलिसिस भी आपके कम हो जाएंगे क्योंकि आपका ब्लड गंदा ही नहीं हो पाता क्योंकि आप डेली बेसिस पे सोना के हेल्प से कटेनिन और यूरिया को निकाल देते हो जिन पेशेंट के, के लेवल लेवल यूरिया कम है वो भी इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि इसको करने का हार्म तो है नहीं आपकी बॉडी को नुकसान तो होगा नहीं मगर आपकी बॉडी में जो सॉल्ट बाहर जाएगा पसीने के रास्ते वो आपकी बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा यानी बीपी की कंट्रोल होने से किडनी को होने वाले नुकसान को हमें आराम मिल जाएगा कम नुकसान होगा अब दूसरा फायदा क्या होगा जब हमारी बॉडी को हीट लगती है ना हमारी सारी मसलन रिलैक्स कर जाती है इन मसल को रिलैक्स करने से हमें फ़ायदा क्या होता है कि इनकी बीच में जो हमारी वेसल्स होती हैं आर्टरीज होती हैं वेन्स होती हैं वो भी रिलैक्स होकर उनके बीच में पे जो पेरिफल रिजिस्टेंस होता है अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल है बट आप इसको पेरिफल रिजिस्टेंस की तरह समझो कि उसके कम होने से हमारा बी पी बेट मच बेटर मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है तो यानी हमारी किडनी के लिए बेटर ब्लड सप्लाई यानी किडनी के लिए बेटर ऑक्सीजन यानी किडनी के लिए बेटर खाना रिजल्ट क्या होगा कि किडनी कम खराब होना हो शुरू हो जाएगी या फिर खराब होना बंद हो जाएगी तो अब जितने भी किडनी फेल के पेशेंट हैं वो इस सोना का हेल्प ले सकते हैं क्योंकि हर किसी के घर में ज़रूरी नहीं है कि सोना वाला रूम बना हो जहाँ पर वो भाप ले सके बॉडी को तो ऐसे ही जो इक्विपमेंट्स है ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है आप एमेज़ोन पर जाइए और सोना बाथ सर्च करेंगे जहाँ बहुत सारी लिस्टिंग्स मिल जाएंगी आप उसमें ये प्राइस रेंज चार हज़ार से लेकर छः हज़ार तक के आते हैं तो आपको जो पसंद आता है जो आपके पॉकेट में लगता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं ये बहुत सिंपल सा सेटअप होता है एक कुकर होता है जिसमें हम पानी डालते हैं जब हम इसका ऑन करेंगे तो ये भाप बनाएगा भाप इस पाइप के थ्रू इस बैग के अंदर चला जाएगा जहां पर आप बैठे होंगे अभी देखने में लग रहा है कि इसके अंदर हम जाएंगे कैसे बैठेंगे कैसे है ना इसके अंदर एक छोटी सी चेयर रखनी है आपने आप प्लास्टिक की रखिए वुड की रखिए बट आप एक छोटी सी चेयर पर रखकर आप इस पर आराम से बैठेंगे आप इसको बंद कर लेंगे इसके अंदर आप बैठ जाएंगे और दो घंटे आप अपनी बॉडी को हाई टेम्परेचर पर रखेंगे और उसमें मॉइस्चर की मात्रा भी ज्यादा होगी अभी मॉइस्चर का क्या कंसेप्ट है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको जब बारिश के दिन होते हैं तो क्या होता है हवा में मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाती है और एकदम धूप निकले तो क्या होता है कि पसीना उड़ता ही नहीं है बेहतर रहता है सारे कपड़े गीले होने शुरू हो जाते हैं सेम इन्वायरमेंट हम इसके अंदर सोना के अंदर बना रहे होते हैं स्वेटिंग बढ़ जाती है और ये बहुत बेनिफिशियल रहती है एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए तो ये जो सोना है ये एक तरीके से मिनी डायलिसिस की तरह होता है मगर इस डायलिसिस के अंदर बॉडी में वीकनेस जनरेट नहीं होती क्योंकि बॉडी में से प्रोटीन लॉस नहीं हो रहा होता क्योंकि प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी को बनाता है जब हम डायलिसिस करवाने हॉस्पिटल जाते हैं तो जब हम अपना ब्लड को मशीन से निकालते हैं तो सिर्फ मशीन में ना सिर्फ कटने निकलता है यूरिया निकलता है एक्स्ट्रा पानी निकलता है बट बहुत सारे विटामिन मिनरल्स एंड प्रोटीन बॉडी में से निकल जाते हैं इसी वजह से डायलिसिस में पेशेंट बहुत लंबा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि बॉडी में वीकनेस जनरेट होनी शुरू हो जाती है बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है मसल मास कम होना शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे पेशेंट की कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि पेशेंट का चलना उठना बैठना नहीं हो पाता मगर जब हम इस तरह से अपने बॉडी को क्लीन अप करते हैं यूरिया निकालते हैं कटनिया निकालते हैं तो इसमें वीकनेस जनरेट नहीं होती इसमें बिल्कुल आपको स्ट्रेंथ महसूस होनी शुरू होती है क्योंकि आपकी बॉडी में से सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है जैसे एक हीमोडायलिसिस मशीन के अंदर मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं जब आप जाते हैं तो आप डायलिसर खरीदते हैं ना सेम तरीके से इसके अंदर हम आपकी खुद की नेचुरल स्किन को यूज कर रहे होते हैं एज ए मेमब्रेन जो हमारे स्वेट पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और स्वेट पोर्स ओपन होने के बाद उसमें जो एक्स्ट्रा बॉडी में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वाटर है वो निकालना शुरू करते हैं तो अगर आप स्टीम लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकलता है एक्स्ट्रा सोल्ट है वो भी निकलता है जो कि बहुत बेनिफिशियल रहता है क्योंकि किडनी फिलियर पेशेंट की बॉडी में स्वेलिंग पानी का इकट्ठा होना एक कॉमन दिक्कत होती है तो अगर आपको स्वेलिंग है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है तो आपने क्या करना है आपने इसको अरेंज करना है अरेंज करने के बाद आप इसको डेली दो घंटे यूज करेंगे और अपनी बॉडी में जो एक्स्ट्रा किटनिन यूरिया इकट्ठा हो रहा है उसे निकालेंगे ध्यान की बात क्या रखेंगे कि ये ट्रीटमेंट नहीं होता ये सिर्फ एक छोटा सा उपाय होता है जस्ट लाइक डायलिसिस कि हम इसको करके अपने किटनी लेवल यूरिया लेवल को डाउन कर लेते हैं बट ये ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं होता ट्रीटमेंट का पार्ट वही होगा जब हम किडनी से अपनी फंक्शनिंग को बढ़ाएंगे क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग अगर डाउन होती रहती है तो भी इसको करने के बाद भी किटनी लेवल यूरिया लेवल बढ़ता चला जाता है क्योंकि हमारा मैक्सिमम किटनिन और यूरिया यूरिन के रस्ते ही बाहर जा सकता है पसीने के रस्ते नहीं जा सकता मगर ये हेल्पफुल जरूर है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि, कि किस तरह से हम अपनी बॉडी में से एक्स्ट्रा कटिन और यूरिया को स्वेटिंग के रस्ते बाहर निकाल सकते हैं फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना चाहते हो हमारे डॉक्टर अवेलेबल हैं आप क्लिनिक पे आकर मुझसे भी मिल सकते हैं अब इसी के साथ आप सभी समय चलने की आज्ञा चाहूँगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार